मुझे बड़ा अफसोस रहेगा राजा के वक्त कि राजा यहाँ से जा रहा है अपने घर पे और मैं मौजूद नहीं हूँ। चले भाई, सौदा हो गया है। सामने हमारे ये देखे अली भाई का शौक चेक करें, मलंगी को जो है ना वो हाथों से खिला रहे हैं। बताओ अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप यू ऑल गुड, उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आप लोगों को जैसे कि पता है थोड़ी तबीयत जो है वो थोड़ी नासाज हुई हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है काफ़ी, लेकिन ये कि कल भी काफ़ी बिगड़ गई थी तबीयत, परसों भी सही थी बेहतर थी, लेकिन ये था कि वो फिर हमारा जो सौदा हुआ उससे थोड़ी सी एक एनर्जी सी आ गई। फिर घर पर पहुँचे तो फिर वही कैफियत शुरू हो गई। तो बहरहाल ये तो खैर एक ज़िंदगी का हिस्सा है, बस आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। बाकी मैं कल बड़ा मुझे गुस्सा आया और गुस्सा भी आया और एक तरीके से मुझे रोना भी आया कि यार मुझे बगैर बताए ही जो है ना ये लोग राजा को लेके चले गए। और हालांकि इरादा जो था मंडे की शाम का था, तो मैं उसी माइंड सेट से था कि मंडे की शाम तक इंशाल्लाह मैं किसी भी तरह करके ना मैं पहुंच जाऊंगा, और चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, तो मंडे की शाम में मेरे को मुझे इधर लाजमी होना है ना। तो बहरहाल कल थोड़ी सी तबीयत जो है ना ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। कल रात की ही बात बताऊँ, मैं निकल ही गया था यहाँ से मंडी आने के लिए बिल्कुल, यानी कि मैं रास्ते में ही था, तो एकदम से और तबीयत जो है वो अजीब होने लग गई। तो मैं मंडी के आधे रास्ते से ही वापस जो है ना घर की तरफ मैं वापस चला गया, तो थोड़ा बैठा रेस्ट किया तो तबीयत नहीं संभली, तो जाके हॉस्पिटल पे जाके दिखाया तो उन्होंने ड्रिप्स वगैरह लगाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से काफ़ी बेहतरी है। तो बस हॉस्पिटल से आया हूँ तो दवाइयों की वजह से थोड़ा सा नींद थी, थोड़ी सी नींद ली है। तकरीबन मेरी सुबह 4 बजे के करीब मेरी आँख खुली है, तो मैंने थक करके लारिब को मैसेज किया है क्या रिपोर्ट है क्या मामला हैं, तो लारिब ने बोला सब सेट है, कोई ऐसा मसला नहीं है। हालांकि लारिब ने मुझे उसामा के हाथ में पकड़ाया मोबाइल, तो उसामा ने बोला तबीयत वबीयत का पूछा, मैंने बोला हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, मैं आना चाह रहा हूँ लेकिन घर वाले जो है ना मुझे आने नहीं दे रहे, तो इन लोगों ने भी कहा नहीं नहीं तो घर पर रहे कोई मसला नहीं है। बाकी उस वक्त तक मुझे ये नहीं पता था कि राजा जो है उस वक्त जा रहा था। अगर वो ये कहते ना कि राजा लोड हो रहा है या राजा जा रहा है, क्योंकि मेरा जो था ना शाम तक का वो था कि इन्होंने शाम तक उठाने का कहा हुआ था, मुझे इनमें से किसी ने नहीं बताया कि राजा जो है वो सुबह जा रहा है। अगर ये लोग मुझे हल्के से भी बता देते मैं किसी भी तरह करके ना यहाँ पहुँच जाता। थोड़ा सा अफसोस है मुझे, और जितने भी लड़के उस वक्त थे एहसान उसामा अली ये लोग जितने भी थे मान लारिब, इन्होंने मुझे एक कानो कान खबर नहीं दी कि यार बंदा बता ही दे के राजा जा रहा है। सब लोग थे, मुझे बड़ा वो भी हुआ कि यार सब लोग हैं और मैं ही नहीं हूँ सिर्फ ना, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं हम जाके खैर राजा को घर पे भी देख लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन एक वो चीज़ हमारे पास से अपने घर को चली गई जो हमने समझ लें कि एक जान होती है ना जान, एक फार्म का बेस जो होती है वो थी हमारी बेस, जो कि उस बछड़े ने हमें बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ ट्रेन भी किया, क्योंकि वो बछड़ा राजा जो था वो एक हमारे लिए एक दिली अटैचमेंट जो होती है ना उससे बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे रोना भी आया, मैं शाम में मान की वीडियो जब अपलोड हुई है मैं देखते देखते ही समझ ले कि मैं रोना शुरू कर दिया था कि मैंने ये मोमेंट जो है ना मैंने मिस कर दिया कि राजा को जाता हुआ देख के। खैर हो गया, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। उसामा के फ़ोन भी आया मैसेज भी आया, मैंने उसको बोला कि तुम्हारा इरादा तो शाम में था लेके जाने का लेकिन तुम सुबह ही ले गए। तो बहरहाल बड़ा अफसोस हुआ और मैं इन सब लड़कों से मैं नाराज़ हूँ अभी भी कि इन लोगों ने मुझे एक लम्हा भी बताया नहीं, कि एक मरतबा यानी कि जिक्र भी नहीं करा कि यार क्या मामला थे राजा जा रहा है तो आ रहा है नहीं आ रहा। तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ और मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि किसी ने मुझे नहीं बताया। तो बहरहाल ये तो दिन गुजर गया, आज भी मैं तकरीबन थोड़ा सा मेरी तबीयत संभली
और मैं आना तो खैर बहुत पहले चाह रहा था, लेकिन घर वालों ने थोड़ा सा रोका के थोड़ा सा और आराम कर लो, तबीयत और मज़ीद बेहतर हो जाए तो ही जाके तुम उधर जाओ। अभी भी घर से फ़ोन आ रहे हैं कि है सेट है मामला। मैंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह सही है, कोई ऐसा इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोगों की दुआएं चाहिए, बस दुआओं में याद रखें। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही उससे पहले आपको पता है हमारा लाल बादशाह K2 और पठान, ये तीन बछड़े गए, उनका भी एक दुख था, उनका भी एक खुशी भी है एक तरीके से। लोग कह रहे हैं कि समीर भाई आप एक तरफ खुश भी हो रहे हैं, एक तरफ गम भी है आपका, लेकिन दोनों तरफ का है। जब हम सोचते हैं कि हम हमारे फार्म से एक चीज़ रुख्सत हो रही है तो, और वो अपने घर को जा रही है, तो एक ऐसा होता है यार अब फार्म जो है ना इनके बिना खाली खाली सा हो जाएगा, और काफ़ी लोग जो हैं वो अटैच हुए हुए हैं, आप लोग वीडियोस से ही अटैच हुए हैं, और हमारा सोचें कि हम तो एक्चुअल में इन बछड़ों को इन जानवरों को पाल रहे हैं, इनको नाम दिया हम लोगों ने, और इनका नाम आप लोग पहचानते हैं, आप लोग सिर्फ वीडियोस में देख के आप लोगों को इतना रोना आया है। काफ़ी लोग रोए हैं लाल बादशाह के जाने पे, काफ़ी मैसेजेस आए हैं मेरे पास भी कि लाल बादशाह, और मेरे कमेंट्स भरे हुए हैं कि लाल बादशाह अब जो बछड़े जो हमारी क्रीम थी ना, मेरा लाल बादशाह है, बादामी, फ़खरे करीम, ये सारी जो क्रीम थी वो अब नहीं है। तो ऐसा अब फील होता है कि यार फार्म जो है अब खाली खाली सा हो जाएगा इनके बिना वाकई में, क्योंकि ये एक तवील अरसा हमारे साथ इन जानवरों ने गुजारा, और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि इन जानवरों ने हमें नाम दिया, हमारी पहचान बनी इन जानवरों के थ्रू, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और भी बहुत सारे जानवर हैं जो कि अभी जाने हैं, बुर्राक एक हमारा वन ऑफ द ओल्डेस्ट बछड़ा अभी भी है, तो बहरहाल इनसे जानवरों से बड़ी दिली अटैचमेंट हो जाती है, और फीलिंग जो होती है वो बज़ाहिर कैमरे पे तो नहीं ला सकता मैं, लेकिन ये है कि एक दिली अटैचमेंट हो जाती है, एक आंखें भर जाती हैं जब ये चीज़ें जा रही होती हैं, और एक तरफ एक खुशी भी होती है। वो खुशी क्या होती है कि जिसके घर पर जा रहा है उसके घर की कुर्बानी हो रही है, और वो हमारे पले हुए जानवरों की कुर्बानी करेंगे, तो एक तरीके से उनसे सोचा जाए तो उनकी खुशी से रिलेटेड हमारी खुशी भी है कि यार अब जाके ये अल्लाह की राह में कुर्बान भी होंगे, और किसी की कुर्बानी का वो भी बनेंगे नियत जिन्होंने की हुई है उन जानवरों पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको उनकी नसीब का जानवर भी मिला है। तो एक तरीके से खुशी ये भी होती है कि यार अब जानवर जो हैं वो अल्लाह की राह में कुर्बान होंगे, तो इस तरह ये खुशी भी है और एक तरीके से गम भी है, तो दोनों पहलू हैं। कमेंट आ रहे थे, मैंने कहा इस पर भी थोड़ी सी मैं बात कर लूँ, तो बात सिर्फ ये कि हम इन जानवरों को बड़े ही दिल से पालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई हमारा शौक है, बचपन का शौक है जो हम आज यहाँ पर बैठे हैं। ये जो राजा आज सुबह जो गया है तो उससे यही है कि उससे बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत कुछ, वो पहला जानवर था राजा जो कि हमें बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। लेकिन इंशाल्लाह मैं उसामा से मैंने कहा है कि इंशाल्लाह फैमिली के साथ मैं जो है ना राजा को घर पे देखने आऊँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी ये कि उसने बोला है ज़रूर इंशाल्लाह लेकर आना फैमिली को, और क्योंकि हमारे उसामा के और हमारे फैमिली टर्म्स भी हैं तो एक ताल्लुक भी बना हुआ है, तो बहरहाल राजा को देखने इंशाल्लाह जाएंगे, और राजा को राजा की कुर्बानी के दिन भी कोशिश करेंगे जब उसकी कुर्बानी हो रही होगी, और वैसे तो लाजमी तौर पे जाना है लेकिन अगर तरतीब नहीं बन पाई फिर भी बनाएंगे इंशाल्लाह। बाकी बस दुआओं में याद रखें, तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है, जब भी मैं आपको यहाँ पे बैठा हुआ दिख रहा हूँ आज, और कुछ ही यानी कि 2-3 घंटे हुए हैं। बाकी चाचा कुछ जानवर देख रहे थे, वो भी हम लोग थोड़ी सी नज़र कर आए, तो कुछ बछड़े उन्होंने सेलेक्ट किए थे और कुछ बछड़े हमने बताए उनको, तो वो भी देखें, और लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो सौदा नहीं हुआ है, अभी बस देख ही रहे हैं। इंशाल्लाह दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी का जानवर भी जो है ना
जल्द अज जल्द जो है ना वो मिले। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि चाचा आप लोगों के पास क्यों नहीं पलवाते। भाई सबकी अपनी अपनी तरतीब होती है, सबके अपनी अपनी मामलात होते हैं जो कि हम लोग ज़ाहिर सी बातें पब्लिकली नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि चाचा का हमेशा से यही रहा है कि मैं मान और क्या कहते हैं एक मेरा कज़न होते हैं मोहसिन भाई, तो हम तीनों ही एक डन करते हैं चीज़ तो ही वो डन होती है। आज से नहीं, वो तकरीबन जब से हम छोटे छोटे बच्चे थे तब से ही ये चलता हुआ आ रहा है कि हमारी पसंद से ही चाचा जो है ना जानवर लेते हैं। अब जाहिर सी बात है तरतीब नहीं बनती, तरतीब जाहिर सी बात है एक महदूद एक लिमिटेड एक अमाउंट होता है, एक लिमिटेड बजट होता है, वो चाचा देखते हुए चल रहे होते हैं। तो उस हवाले से देखा जाए तो थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन इरादा यही है कि इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें कि मंडी से ही कोई उनके नसीब का इंशाल्लाह सबको मिल जाता है। नसीब का जानवर जो होता है वो सबको मिल जाता है। वो अभी पिछले दिनों में अभी मान ही दिखा रहा था 80,000 या 90,000 की कोई बछड़ी बाहर लेके जा रहा था। देखिए जिसकी जितनी हैसियत होती है ना वो उतना ही उतने का ही जानवर लेके जाता है और उसके नसीब का जानवर। नीयत पे दारोमदार होता है सारा। आप नीयत करें, नीयत करेंगे तो अच्छी से अच्छी उसी अमाउंट में आपको चीज़ मिलेंगी। अभी मंडी का महंगा कर दिया व्लॉगर, ये वाला मामला चल रहे थे जो कि नहीं होना चाहिए। व्लॉगर क्यों महंगा करेगा, पहली बात तो ये। और सब कुछ मीडिया के पास ही है, मीडिया दिखाता है, तभी तो आप यहाँ पे आते हो, मंडियों में आते हो, रेट्स पता चलते हैं, रेट्स कम आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल ये तो बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी, मैं कहीं और चला गया। लेकिन ये है कि मुझे बड़ा अफसोस रहेगा राजा के वक्त कि राजा यहाँ से जा रहा है अपने घर पे और मैं मौजूद नहीं हूँ, तो मुझे ये अफसोस रहेगा ज़िंदगी भर रहेगा। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह राजा को देखने घर पे ज़रूर जाएंगे उसामा के, और वहाँ पे इंशाल्लाह आप लोगों को एक बार फिर शौक करवाएंगे। और अल्लाह ताला उसामा की उनके घर वालों की कुर्बानी को कबूल और मंजूर फरमाएँ और उनके कारोबार में उनके रिस्क में बरकतें अता फरमाएँ। तो ये है। और बाकी ये बताया चलूँ भाई, तीन जानवर यहाँ से चले गए, काफ़ी सुना सुना हो गया था। हमारे पास आ गए हैं भाई मलंगी, मलंगी के साथ जो है हमारा अकीक भी आ गया है। तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा शौक भी करवा देता हूँ अकीक का, और जो हमारा मलंगी आया है तो उसका भी, और बाकी ओवरऑल सिचुएशन भी दिखा देता हूँ कि क्या सेटिंग अब तक हो गई है। तो ये भाई मामला चल रहे हैं, माशाल्लाह सारे ही बछड़े अभी फ़िलहाल बैठे हुए हैं और आवाम का रश हो रहा है। यानी कि आज मंडे का दिन है, मंडे के दिन के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोग विज़िट पर आ रहे हैं। अभी तकरीबन टाइम जो है मैं बता चलूँ सर 3 बजे का टाइम हो रहा है, लेकिन पब्लिक जो है मंडे के हिसाब से बहुत अच्छी पब्लिक आई हुई है माशाल्लाह से। भाई हमारा मलंगी जो है ये बैठा हुआ और हमारा अकीक जो है वो ये बैठा हुआ। इन दोनों बछड़ों को ज़रा खुलवा लेते हैं और खुलवा के देखते हैं। बाकी ओवरऑल बछड़ियाँ माशाल्लाह से देख सकते हैं हम, सारी बछड़ियाँ जो छोटी बछड़ियाँ हैं वो आगे की तरफ कर दी हैं, और छोटे बछड़े वैसे आगे की तरफ कर दिए थे लेकिन इस तरफ कर दिए उनको ना, कल इस तरफ कर दिए थे, आज इस तरफ इन लोगों ने बांध दिए। तो बहरहाल भोला भी है, भोले के साथ हमारे दो और बछड़े भी आए थे, वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। और बाकी पहले ऐसा करते हैं कि उनको ही खुलवा लेते। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैंने खुलवा लिया है भाई राइनो। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है भाई, राइनो की तो खूबसूरती ही अलग लेवल की है माशाल्लाह से। ये देख रहे हैं क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बचाए, लाम में खड़ा कर इसको ज़रा। माशाल्लाह ये देखें भाई, ये आ गया राइनो। मैंने कहा कि 4 अपने बछड़े दिखा देता हूँ आपको और फिर 6 बछड़े दिखा देता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो में। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, क्या बात है भाई राइनो की, क्या बात है माशाल्लाह भाई, भरपूर माशाल्लाह से बच्चा है ये अल्हम्दुलिल्लाह। पिंक नोस और क्या ही खूबसूरती है, और इंतहाई शरीफ बच्चा है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बचाए इसको माशाल्लाह। थोड़ा सा एक और राउंड लेकर आ सामने से, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी खड़ा किया है ना इनको, थोड़ा सुस्त हुए हैं वरना इनसे मस्ती वाले बच्चे जो है ना वो कोई और है नहीं माशाल्लाह। ले आ ले आ ले आ, नहीं भाई नहीं नहीं, ये भागा भागा, आया आया, थोड़ा सा चार्जिंग तो आया। चलें भाई, ये था भाई हमारा राइनो माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बचाए इसको। चलो लेके जाओ इसको, अब बुलवा लेते हैं भाई रॉक को माशाल्लाह।
तो ये आ गया भाई रॉक, माशाल्लाह माशाल्लाह, आए हाय आए हाय आए हाय, क्या बात है भाई, मस्ती। और पायल भी आ गए भाई पैरों पे, माशाल्लाह। अब आ रहा है ना कि बकरीद आई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेके जाएगा और तौहीद, एक और राउंड हो जाए। ये भी भाई चंबा फेस में आ रहा है माशाल्लाह, और क्या ही बनावट है बच्चे की, माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन हो गया भाई माशाल्लाह। ओए होए, लुक चेक करो भाई, माशाल्लाह 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 भाई। ये भी माशाल्लाह से एक हैवी ड्यूटी बछड़ा माशाल्लाह, फुल फ्रेम में आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं माशाल्लाह। ये चेक करें भाई, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बचाए। ठीक हो गया तौहीद, लेके जाओ इसको, फेस ब्यूटी चेक करें बच्चे की, आए हाय माशाल्लाह। ये आ गया भाई बुलबुल हमारा माशाल्लाह, बुलबुल भी किसी से कम नहीं है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बचाए, क्या ही बात है भाई माशाल्लाह। तो भाई ये भी अवेलेबल फॉर सेल है, आप लोग आके जो है ना हमारे स्टॉल पे देख सकते हैं इसको माशाल्लाह से, माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन हो गया भाई। एक और राउंड लगा ले इसका, माशाल्लाह चीने प्रिंट में आ रहा है भाई हमारा बुलबुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। ले आ ले आ ले आ ले आ, माशाल्लाह। तो भाई आए विज़िट करें करीम स्कैडल के स्टॉल पे, और माशाल्लाह क्या बात है, आए आए आए, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें भाई, ये था भाई बुलबुल, ले जाओ ले जाओ। अब मंगवा लेते हैं भाई हमारे शेडो को, ये आ गया भाई शेडो, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी मस्ती वाला बच्चा है भाई, ये देख रहे हैं, आए हाय आए हाय, माशाल्लाह। सबको पायलें पहना दी हैं भाई, छन 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 हो रहे हैं सब, माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, क्या बात है भाई शेडो की भाई, बेहतरीन माशाल्लाह, क्या ही बनाओ में बच्चा है माशाल्लाह। लेके जाए इसको, लेके जाए एक और, माशाल्लाह माशाल्लाह, फुल सॉलिड माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए। लेके जाए इसको आगे, लेके जाए एक और राउंड लेगा, ये आए आए आए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ले आ ले आ तौसीफ, ले आ, ये फुल मस्ती भाई, फुल मस्ती ऑन है, ये अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन हो गया तौसीफ। चलो लेके जाओ इसको माशाल्लाह। अब खोल लो भाई वो मलंगी, खोल लो वो मलंगी, ये फुल जाइंट बछड़ा हमारा आ रहा है भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, फुल भरम ही भरम, चेक करो बछड़े के भाई, क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह। इंतजार, लाम में खड़ा कर इसको, लाम में खड़ा कर, माशाल्लाह ये चेक करो भाई, ये ओए होए 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 होए, फुल हैवी वेट बछड़ा भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई एंट्री जो हुई है यहाँ पर दो बछड़ों की, उनमें से एक बछड़ा हमारा मलंगी, पैर सही करो, उनमें से एक हमारा भाई मलंगी है, ये चेक करें क्या उठान है बछड़े की यार, क्या बनावट है। शहराज भाई भी आए हुए हैं भाई, शहराज भाई को हम मुबारकबाद दे चुके हैं वैसे तो, लेकिन अब मिलेंगे तो इंशाल्लाह उनको वीडियो के ज़रिए भी इंशाल्लाह मुबारकबाद देंगे। केटू की, ये भी माशाल्लाह से शहराज भाई का ही बछड़ा है माशाल्लाह भाई, क्या ही बात है यार, बिल्कुल चेंज हो गया ये बछड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह। अप्स एंड डाउन इस बछड़े पे आते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बनाओ भाई, लेके जाओ सामने से लेकर आओ, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, ये चेक करो, ओए होए माशाल्लाह, क्या बात है भाई। कैसा लग रहा है भाई आप लोगों को मलंगी, ज़रा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें यार नाफा झालर, ओए होए, नहीं भाई नहीं, ये अकड़ू है भाई, नहीं भागेगा ये अपनी अकड़ ही ख़त्म नहीं होती इसकी भाई, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह भाई। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को, मलंगी हमारा और माशाल्लाह, ये चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बचाए। चले भाई मलंगी को बंधवाते हैं, और मलंगी के बाद जो है हम हकीक को खुलवाते हैं, जो कि दूसरी एंट्री है हमारी, क्या बात है माशाल्लाह। लेके जाओ भाई इसको माशाल्लाह, चले ये आ गया भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है भाई हकीक की भाई, बेहतरीन माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बचाए भाई, क्या ही बात है भाई। सीधा खड़ा करो, लाम में खड़ा कर, माशाल्लाह हकीक माशाल्लाह से भाई, इमरान भाई का बछड़ा जैसे कि आप लोगों को पता है माशाल्लाह। काफ़ी लोग कह रहे थे भाई ये तो कुर्बानी का था, कुर्बानी का था, लेकिन ये है कि माशाल्लाह से इमरान भाई जो है ना वो आ नहीं रहे हैं इस साल ना, वो कह रहे हैं समीत भाई अगले साल का कोई भी बछड़ा इसको बेच के जो है ना इंशाल्लाह हम उस पर शौक कर लेंगे, और इंशाल्लाह उनकी कुर्बानी का ही है वैसे ये, और जो भी पैसे आएंगे इससे उनकी कुर्बानी पे ही लगेंगे इंशाल्लाह। इस साल का था उनका आने का, लेकिन तरतीब नहीं बन पा रही है, इस वजह से वो कह रहे हैं कि समीत भाई ये बछड़ा जो है ना आप सेल कर दीजिएगा
इंशाल्लाह आपके हाथों में ही है नेक्स्ट ईयर के लिए भी, आप ही इंशाल्लाह बछड़ा हमें दिलवाइएगा, तो क्या ही बात है भाई। इसको भी आप लोग पसंद करना चाहें तो पसंद कर सकते हैं, बच्चा बहुत हाइटेड है माशाल्लाह से, फुल बनाव में बछड़ा है माशाल्लाह, क्या बात है। थोड़ा चला के लेकर आए इसको सामने से, माशाल्लाह से ये देख लें भाई माशाल्लाह, थोड़ा सा आवाज़ जो है वापस से डिस्टर्ब हो रही होगी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ले आओ भाई ले आओ ले आओ, क्योंकि माइक जो है हमारा बंद हो गया है, फुल एक्टिव बच्चा है भाई माशाल्लाह, ये देख रहे हैं क्या बात है, क्या बात है माशाल्लाह, बेहतरीन हो गया। चलो इसको बांधो माशाल्लाह से, बांधो बांधो। ये है भाई अकीक, इसके हवाले से अगर रब्ता करना है तो नंबर दिया हुआ है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। ये आप लोगों ने अकीक को देखा से पहले हमारा भाई, ये हमारा बब्बर शेर, जिसे हम शेर कहते हैं, बब्बर तो वो है सामने बना हुआ है बब्बर शेर, ये रहा क्या बात है माशाल्लाह, ये बब्बर शेर है भाई हमारा, और ये आए हैं हमारे शेर माशाल्लाह भाई, ये ठोस बच्चा है माशाल्लाह से भरपूर, और क्या ही कहना है इस बच्चे का माशाल्लाह से, हर तरह से ये जो है ना चार छोर जिसे बराबर कहते हैं ना, वो बच्चा है माशाल्लाह से फुल ठोस माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाया भाई इस बच्चे को भी, हमारे शेर को, और माशाल्लाह से बाकी बछड़ियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह सेट जा रही हैं, ये हमारी शेरनी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए। और ये ब्लैक क्वीन, ओए होए, इसके कलर पे तो बहुत से लोग फिदा हैं, और काफ़ी अनकरीब जो है ना इसका सौदा भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह होने वाला है। ये वरासा बैठी है हमारी, हाँ क्या हाल है, कैसी हो माशाल्लाह। तो बहरहाल भाई मैंने कहा थोड़ी सी आप लोगों को अपडेट दें, ये हमारी सिंड्रेला माशाल्लाह, और सिंड्रेला के साथ साथ भूरी बैठी हुई हैं, बाकी छोटी बछड़ियाँ जो है हमने बाहर निकाल के, मिस चोलिस्तान भी आई हुई है भाई, मिस चोलिस्तान भी निकल के दिखाता हूँ आपको माशाल्लाह। ये हमारी ये मैगनम माशाल्लाह, हाँ हाँ चल चल बस, ये बैठी हुई भाई मिस चोलिस्तान माशाल्लाह, और ये हमारी क्या कहते हैं गुलाब जामुन, गुलाब जामुन के साथ साथ हमारी भाई ये बैठी हुई है रुबाब क्वीन और हूर माशाल्लाह। बाकी रौनक देख सकते हैं भाई, बच्चे वगैरह सब आए हुए, मंडे का दिन है ये, और मंडे के दिन में जो है ना, खैर बच्चों की अब छुट्टियां हो गई हैं, और मेरे बच्चों की भी छुट्टियां हो गई, वो भी कह रहे हैं बाबा ज़रा मंडी घुमाएं हमें भी, आज भी जिद कर रहे थे, मैंने बोला नहीं मैं जा रहा हूँ। बाकी ओवरऑल जो है ना काफ़ी रश है मंडी में, और काफ़ी लोग आए हुए हैं, गाड़ियाँ काफ़ी हैं बाहर, पार्किंग में भी फुल पार्किंग भरी हुई है, तो ये सिचुएशन है आज मंडे के दिन की। चले भाई सौदा हो गया है, सामने हमारे पड़ोसियों का बछड़ियाँ जा रही हैं माशाल्लाह भाई, आज देखा जाए तो काफ़ी अच्छा फ्लो है, रवानगी है लोगों के आने की, काफ़ी यानी कि रश रहा है, तो ये लोडिंग बछड़ी की हुई है, बाकी यहाँ पे भी सौदा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये देख सकते हैं रुबाब और हमारी हूर का, बाकी और भी कस्टमर आए, और काफ़ी गाड़ियाँ वगैरह भी यहाँ चल रही हैं, जो कि कस्टमर आ रहे हैं देख रहे हैं और पैसे लगा रहे हैं, काफ़ी गहमा गहमी है मंडे वाले दिन की, जो गहमा गहमी है ना काफ़ी अच्छी चल रही है माशाल्लाह। हूर को चेक करें भाई, क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये रुबाब माशाल्लाह से। तो बहरहाल अभी बस रोशनी कुछ ही देर में होने ही वाली है इंशाल्लाह। ये देखिए अली भाई का शौक चेक करें, मलंगी को जो है ना वो हाथों से खिला रहे हैं, बताओ देख रहे हैं, अब मुझे लग रहा है कि ये मलंगी के हवाले से है ना कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि काले अबलग जो है ना पसंद आते, जैसे शाका भी पसंद आया हुआ है इनको, पी नहीं रही अली के हाथों, ये देख उसने हाथ में लिया और पी रही है, ला दिया ये देखो जाया कर दिया पानी, अल्लाह अकबर, ये हो गया काम तमाम, ड्रम बैंड हो गया, लो भाई माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, ये आ गई थे पूरी, इतना पानी डाल दिया कि उसमें बैंड ही हो गई, पैसों की वाट लग गई भाई माशाल्लाह। अरे अरे कालिया 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 माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ब्लैक क्वीन माशाल्लाह। तो भाई ये थोड़े सुबह के मनाजिर हैं, कुछ सौदे आसपास चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों के हवाले से। अरे 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 क्या हुआ माशाल्लाह माशाल्लाह,
तो सीन कुछ ऐसे हैं, और बाकी जानवरों को पानी वानी पिलाया जा रहा है। ये हमारी शेरनी माशाल्लाह, लोगों की आमदोरफ्त अभी भी बरकरार है, देख सकते हैं। और आगे भी काफ़ी हम लोग होकर आए हैं, काफ़ी पब्लिक है माशाल्लाह। आम दिन के हिसाब से जो है ना, काफ़ी अच्छी पब्लिक है आज ना माशाल्लाह। बाकी भाई और सारे ही जानवर जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सेट है, ठीक है। यहाँ आज भी शॉर्ट वीडियो है, तो वीडियो का अख्ताम करते तकरीबन अभी टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं, तो यहाँ वीडियो का अख्ताम करते हैं। उम्मीद है आज की भी शॉर्ट वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यहाँ लेंगे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।